बड़ा खुश नसीब है जिसे तुम नसीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तुम नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। सदके जाए तेरी नजर के तीर चलाए जी भर भर के, सदके जाए तेरी नजर के तीर चलाए जी भर भर के, जी उठे हम तुझ पे मर के, हाल दिल न पूछिए हाल दिल अजीब है, हाय हाल दिल न पूछिए हाल दिल अजीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल, हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल, खुद ही चल के आ गई मंजिल, वो तो बादशाह है भले ही गरीब है, हाय वो तो बादशाह है भले ही गरीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का
का बोले क्या करोगे। जीप में जो मोती मिले को भी हम ना लेंगे, जीप में जो मोती मिले को भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। नवंबर 2003 हेडिंग दिए है, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी वन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आत्माएं भी अनादि हैं, उनकी तो रचना ही नहीं होती है। रचना तो उनकी होती है जो चीज पहले न हो। जैसे मिट्टी तो है, सदाकाल रहती है मिट्टी, जलवायु अग्नि आकाश और पृथ्वी और ना मिट्टी, पांच तत्व हमेशा होते हैं। मिट्टी हमेशा है लेकिन घड़ा नहीं है, तो मिट्टी से क्या बनाया गया? घड़ा। घड़ा बनाया गया। घड़ा पहले नहीं था, बाद में बनाया। किसने बनाया? कुम्हार। तो कुम्हार हुआ रचयिता और घड़ा हुआ रचना। तो ब्राह्मण संसार का रचयिता कौन हुआ? शिव बाबा। शिव ज्योति बिंदु निराकार जब साकार में प्रवेश करे और जिस पहले आत्मा में प्रवेश करे वो प्रजा
पिता हुआ, क्या हुआ? रचयिता, उसको कहते हैं क्योंकि उसमें शिव प्रवेश है, इसलिए शिव बाबा। तो ब्राह्मण संसार का रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। क्या जैसे एक दिशा के बच्चों को नहीं देख रहे हैं, चारों दिशाओं में जो भी बच्चे फैले हुए हैं उनको देख रहे हैं। चार दिशाएं हैं तो चारों दिशाओं में चार मुख्य धर्म फैले हुए हैं। उन चार मुख्य धर्मों में विश्व धर्म समाये हुए हैं। उन विश्व धर्मों की आधार मूर्त, बीज मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। और कैसी आत्माओं को देख रहे हैं वो बताया, ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है। क्या 500 करोड़ का संसार नहीं है? 33 करोड़ देवी देवताओं का संसार नहीं है, देवात्माओं का भी नहीं है, 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं का भी नहीं है। 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं में भी जो पहले जन्म की 9 लाख आत्माएं उनका भी नहीं है। 9 लाख में भी 1 लाख जो बहुत श्रेष्ठ सालिग्राम गाए जाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो 1 लाख सालिग्राम बनाते हैं, वो उनका भी नहीं है। उनसे भी बहुत छोटा संसार है। एक लाख भी प्रजा कहेंगे, उनमें भी छोटा 16,108 राज परिवार कहेंगे, राज फैमिली में आने वाले। और उसमें भी श्रेष्ठ श्रेष्ठता बताई, कैसा छोटा सा संसार है, अति श्रेष्ठ। 16,000 तो श्रेष्ठ है क्योंकि राज फैमिली में आने वाले हैं राजयोग सीखकर, लेकिन उनमें भी अति श्रेष्ठ है। 16,000 में श्रेष्ठ कितने हैं? 108। और अति श्रेष्ठ कितने हैं? 8। अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। कैसा संसार है? अति प्यारा। किसको? रचयिता शिव बाबा को अति प्यारा संसार है। बहुत छोटा सा है, अति श्रेष्ठ है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। सारा विश्व कितने का होता है? 500-700 करोड़ का सारा विश्व होता है। तो यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की बात नहीं बताई, यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। सारे विश्व की विशेष आत्मा कौन? वो आगे चल के और भी बताया, हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा है। कोट किसे कहा जाता है? करोड़ों में। ये नहीं बताया 100 करोड़ में से,
नहीं बताया, लेकिन बहुवचन बताया कि करोड़ों में से कोई कोई चुने गए हैं। तो 500 करोड़ में से अगर कोई कोई चुने जाएंगे, ऐसे तो 1 करोड़ की बात तो नहीं बताई। चलो जा, कम से कम 2 करोड़ समझ लो, तो कितने हुए? हर 2 करोड़ में से 1 अगर चुना जाए तो कितने हुए? कितने हुए? अरे 500 करोड़ है, वो तो मनुष्य है, बाकी सब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जैसे हैं, आते हैं जाते हैं खत्म हो जाते हैं। तो 500 करोड़ में से 2 करोड़ में से 1 चुने गए तो कितने हुए? 250 हुए। तो कोटों में से कोई, ये तो 250 की संख्या हुई है, और कोई में भी कोई आत्मा है क्या? जो चुने गए 200-250, उसमें से भी कोई, तो कितने हुए होंगे? जो 200-250 चुने गए, 100 रुद्रमाला के, 108 समझ लो, और 100 विजयमाला के, वही तो श्रेष्ठ हैं, और उनमें से भी कोई। फिर ऊपर ये भी बता दिया कि सारे संसार में से चुनी हुई विशेष आत्माएं हैं, ब्राह्मण संसार से। क्या कहा? सारे ब्राह्मण परिवार से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कोटों में से कोई, और फिर चुना हुआ तो कोई में से भी कोई, तो कितने का परिवार रहा होगा जिसमें सारे विश्व की आत्माएं समा जाए? आज की बात बताई, 30 नवंबर की, क्या अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में तीस नवंबर की बात बता रहे हैं? सूक्ष्म वतन की क्या बता रहे हैं? आज ब्राह्मण संसार कर रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रही है, जो कोटों में से कोई और कोई में भी कोई आत्मा है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि वर्षा देने वाले अपने बाप को पहचान लिया है। इतनी बात नहीं, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। क्या बोला? माना कोई है जो बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, बनेंगे नहीं। जिन अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, ब्राह्मण परिवार के अति श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं, वो बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। जैसे बाप ऊंचे थे, ऊंचा है, कैसे अधिकारी बन गए हैं? और क्लियर कर दिया आगे चलते, जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है ना, तो ऊंच से ऊंच कितने हैं भगवान? एक ही है। फिर ऊंच से ऊंच क्यों है? ये तो तौला गया है किसी के साथ है? हाँ, जो धर्म पिताएं हैं वो ऊंच से ऊंच गाए जाते हैं ना, और ऊंच से ऊंच में भी सबसे ऊंच शिव बाबा। तो ऐसे ही बताया कि जैसे शिव बाबा ऊंचा है, हैं? जैसे शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है वो क्या है? हीरो, हीरो पार्टधारी है। ऐसे ही
जिन आत्माओं के प्रति बाप की नजर जा रही है वो भी क्या है, वो भी विशेष आत्माएं हैं। कैसी विशेष आत्माएं? जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है ऐसे ही वह ब्राह्मण परिवार की विशेष आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची है। क्या माने? बाप तो है जो रचयिता बाप, वो सारे विश्व का क्या है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। तो जिन आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं वो आत्माएं भी सारे विश्व से चुनी हुई आत्माएं हैं। और जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है वैसे वो आत्माएं भी सारे विश्व से चुनी हुई ब्राह्मण आत्माओं में भी ऊंचे से ऊंची आत्माएं। तो बाप को पहचान कर बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। पहचानने वाले तो ढेर हैं, लेकिन पहचान कर क्या विशेषता बताई? बाप की बन गई, बाप की बन गई। उससे पहले का दुनिया वालों की बनी हुई थी सारे विश्व का, तो दुनिया वालों की होंगी ना पहले, लेकिन अब किसकी बन गई? सबकी आस छोड़ दी दुनिया में, सबकी आस छोड़ दी। और एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कोई बड़ी नदी हो या समझ लो कि सागर है, और सागर के पार जाना है, जहाज का लंगर उठ गया तो ये किनारा छोड़ दिया ना, नष्टो मोहा। अगर स्मृति आ गई है तो दुनिया का किनारा छोड़ना ही बुद्धि में समाया हुआ होना चाहिए। बोला बाप को पहचान कर बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं। किन आत्माओं की बात हो रही है? जो बाप की बन भी चुकी है, हैं? और विशेष आत्माएं हैं। अभी तो तीन सीट की बात की थी, क्या तीन सीट फिक्स हो चुकी है? तीन सीट की तो बात की, उसमें तो आ गई तीन आत्माएं, सबको समझ में आ जाता है ब्राह्मणों को कि बाप आते हैं इस धरती पर तो तीन विशेष आत्माओं के साथ आते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। लेकिन जब आते हैं तो प्रत्यक्ष तो होता नहीं, क्या माँ बाप और वर्षा पाने वाला विशेष बच्चा, तो ये कि आज में तो पता नहीं चलता। सन 76 में भी माँ बाप का तो पता चलता है, क्या माँ बाप का पता चलता है, लेकिन तीसरी मूर्ति का पता नहीं चलता। तो उस समय बोला दो मूर्तियां, दो सीट फिक्स हो चुकी है। और 98 तक आते आते डिक्लेरेशन दे दिया ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, तीसरा नंबर किसका क्लियर कर दिया।
जगदम्बा, ये तीन क्लियर हो गए। तो अब कितने रह गए फिर राष्ट्ररतन में से? पांच रह गए। तो चारों ओर की विश्व में से चुनी हुई विशेष से विशेष, अति विशेष, अति श्रेष्ठ, जो बाप की नजरों में चुनी हुई योग्य आत्माएं हैं, उनके लिए बोला। क्या बोला? जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे ही बाप को पहचान कर बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। क्या? बाप की बनने वाली विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। कब खींच ली है? खींच ली है, खींचेंगे नहीं। क्या बोला? फाइनल कर दी। इस वाणी से क्या साबित हुआ? कि आठ का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। नाम नहीं बताए है, बहुत चालाकी। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जिनके जन्मते ही, किस समय रहती लकीर खींच ली है? जन्मते ही। जन्म कब होता है? निश्चय होता है। अरे निश्चय तो हो जाता है कि बाप आया हुआ है, ये बाप है। जन्म, हाँ जन्म कहा जाता है अपने पार्ट की पहचान हो जाए। क्या? अपने पार्ट की पहचान हो जाए कि विश्व में जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में चाहे 500 करोड़ की माला हो, वो भी तो रुद्रमाला है, तो उस माला में हमारा स्थान कहाँ है? ये आत्मा का दिव्य जन्म हुआ। अपने पार्ट के विशेषता के नंबर की पहचान। तो जब से जन्म हुआ, क्या बोला? हर ब्राह्मण आत्मा के जन्म से ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। किसके मस्तक पर खींच दिए है? किसके मस्तक पर खींच दिए? अपने मस्तक पर है। बाप ने अपने मस्तक पर खींच लिए। अरे बाप के अपने मस्तक पर 76 में खींच गई थी है। हाँ, नहीं आठ में भी जो बाकी बचे दो, वो तो पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं। बाकी कितने बचे? पांच बचे ना। तो बोला मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। उन बच्चों के मस्तक पर भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? वहां माउंट आबू में बैठ करके पूछ रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? जैसे कि कोई चैलेंज फेंक देता हो, ऐसे अंदर से भावना आती है कि हम ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान हैं जो ऊपर ऊपर अहताएं बताई, पहचान बता दी ना बानी ने,
विशेष पहचान क्या बता दी? कोटों में से कोई, माने 500 करोड़ मनुष्यों में से जो मनन चिंतन मंथन करने वाले होते हैं उनमें से कोई कोई, एक करोड़ में से एक नहीं बताई, क्या बताया? कोटों, माने कम से कम 2 करोड़ तो जरूर होंगे, 2 करोड़ में से एक चुनी जाए तो 500 करोड़ में से 250, तो 200-250 जो है वो कोटों में से कोई हुए और फिर चुना हुआ। फिर क्या चुना हुआ? रिजल्ट क्या आया? उन कोई में से भी कोई, तो कितने आते हैं? अरे 108 तो विजयमाला के, 108 रुद्रमाला के कितने हुए? 216 आत्माएं हुई ना। उन 216 आत्माओं में से भी कोई कोई, तो आश्रिता नहीं होते हैं? आश्रितनों का भी हिसाब है अलग अलग तरीके का। हर धर्म की माला बताती है, बाबा ने बताया है कि हर धर्म की भी माला अलग अलग है। क्या हर धर्म में अपना अपना प्रजापिता है? क्या हर धर्म का अपना अपना प्रजापिता है? हर प्रजापिता की अपनी माला है, तो उनकी बात नहीं हो रही है, अलग अलग धर्मों की अलग अलग मालाओं की बात हो रही है। उनमें से भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चुने हुए श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है अष्ट देव। क्या कहा जाता है? अष्ट देव। तो बोला इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है, हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम। क्या इन आत्माओं की और भी विशेषता बताई? क्या बताई? हर एक ब्राह्मण के दिल में कौन समाया हुआ है? दिलाराम। क्या उनको दिल को और कोई आराम देने वाला नहीं है अब? क्या उन विशेष आत्माओं के दिल को अगर कोई है आराम देने वाला तो कौन है? दिलाराम। इसका मतलब आपस में भी उनके संस्कार कुछ न कुछ हिसाब किताब पूरा हो रहा है। अभी आपस में भी एक दूसरे के दिल को आराम नहीं दे पा रहे हैं। कौन दे रहा है उनके दिल को आराम? दिलाराम। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम। और दूसरी बात क्या विशेषता? दिल का दुलार। उन बच्चों को क्या मिल रहा है? बाप के दिल का दुलार मिल रहा है। बाप दिल का प्यार दे रहे हैं, ऐसा चुनाव कर रखा है। उन बच्चों को दिल का प्यार दे रहे हैं, दे रहे हैं, देंगे नहीं, फाइनल कर दिया, चुनाव हो चुका। प्रैक्टिकल में दिल का दुलार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार, किसका प्यार? दीदी दादी दादाओं का प्यार नहीं, किसका प्यार? यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। कौन सा परमात्मा प्यार? जिन विशेष आत्माओं को जिनके मस्तक पर भाग्य की लकीर खींच ली है जन्मते ही, उन आत्माओं को कल्प में एक द्वारा और एक ही समय पर यह विशेष प्यार प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। इतना बड़ा रूहानी नशा सदैव जो भी हर कर्म करते हो
उस हर कर्म में ये रूहानी नशा रहता है। पूछा कहाँ? पूछा कहाँ बैठ के पूछा? माउंट आबू में गुलजार दादी के तन में, उन दीदी दादियों दादाओं के सामने जहाँ कितनी पब्लिक इकट्ठी होती है, 20-25 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, जिनके लिए मुरली में क्या बोल दिया कि मैं बड़ी भरी सभाओं में नहीं आता हूँ। तो वाणी के तो पहले ही वाक्य में क्लियर कर देते हैं कि मैं सूक्ष्म बतनवासी बाप का समाचार सुना रहा हूँ। कौन सुनाने वाला है? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। तो सूक्ष्म वचन का समाचार सुना रहे हैं, उस भीड़ के सामने सुना रहे हैं। जिस सूक्ष्म वचन का समाचार सुना रहे हैं उसके बारे में बार बार बोल दिया है कि बाप दादा छोटे छोटे ग्रुप लेकर के आजकल मिलन मेला मनाते हैं, बड़े हुजूम में मिलन मेला नहीं मनाते। तो पूछा, ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी वाले विशेष आत्माएं हैं। क्या हम कौन सी आत्माएं हैं? जो भी कर्म करते हैं, क्या कर्मेंद्रिया है ना? पांच कर्मेंद्रिया है ना? तो उन कर्मेंद्रियों से हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्मयोगी जीवन वाले हैं। हम हैं वो विशेष आत्माएं जिन्होंने कल पूर्व भी भगवान बाप से कर्म योग की पढ़ाई सीखी थी। हर कर्म में क्या विशेषता बताई है? कि हर कर्म में यह रूहानी नशा रहता है। क्या रूहानी नशा है? कि जो भी कर्म हमें मिला हुआ है परमात्मा बाप से करने के लिए, उस कर्म में परमात्मा बाप का दुलार और प्यार भरा हुआ रहे। बोला, सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं हो है? बैठ गए और बैठ के 2-4 घंटा 8 घंटे की बत्ती लगाई दी, इसका मतलब कोई काम धंधा जिंदगी में है नहीं। जिन आत्माओं के ऊपर इतनी विशेष जिम्मेवारी होगी तो उन आत्माओं को अभी फुर्सत मिलेगी, काम से फुर्सत मिलेगी, ईश्वरीय सेवा से फुर्सत मिलेगी? नहीं मिलेगी। जितना ही ऊंची पोस्ट पर होता है उसको समय भी उतना ही कम मिलता है। खाना खाने का भी समय नहीं, सोने का भी जैसे समय नहीं। तो बोला, भले समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अंदर से कर्मयोगी जीवन की अनुभूति होती हो। तो ऐसे योगी जीवन वाले हो? जीवन सदाकाल होती है। अगर कर्मयोगी जीवन है तो सदाकाल की है या अल्पकाल की है? तो ऐसा कर्मयोगी जीवन अनुभव करते हो सदाकाल का? बुद्धि में ये आता रहता है कि हमें जो कर्म मिला है वो ईश्वर से कर्म मिला हुआ है। जैसे कोई बाप होता है ना लौकिक दुनिया में, तो अपने बच्चों को कोई काम देता है कि ये काम करो, तो जो बच्चे बड़े दिल की लगन से वो काम करते हैं तो बाप का प्यार उन बच्चों की ओर ऑटोमेटिक जाता है ना। तो बोला, जीवन सदाकाल का होता है तो कर्मयोगी जीवन भी सदाकाल का होना चाहिए।
अर्चनी दिन में जब जाग रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो योगी जीवन है, और रात में सो गए तो कभी वियोगी जीवन हो जाए। रात में स्वप्न में भी कभी कभी रोते हैं ना, ऐसे नहीं। कर्म योगी जीवन सदा काल का है, नेचुरल और निरंतर जीवन होती है। कैसा कर्म योगी जीवन? आर्टिफिशियली वो कर्म योगी जीवन बैठ करके बनाना ना पड़े, लेकिन निरंतर और नेचुरल 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। बाबा कहते हैं ना कि 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में 8 घंटा अपने शरीर की प्रवृत्ति निभाने के लिए लगाओ, 8 घंटा अपनी गृहस्थी की प्रवृत्ति को संभालो उसमें लगाओ, और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में लगाओ। वो आया, ये बात कट कर दी। क्या बोला? नेचुरल और निरंतर कर्म योगी जीवन है, 8 घंटे 6 घंटे वाले योगी जीवन नहीं। योगी अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? याद ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः याद रहता है कि याद दिलाना पड़ता है? याद याद रहता है 24 घंटे, उसमें भी अंतर बताया हुआ है। जिनको ये बुद्धि में आ चुका है, निश्चय पैदा हो चुका है कि साकार में निराकार आया हुआ है और पहचान हो गई, तो जिनको पहचान इस तरह की नहीं हुई है उनके मुकाबले उनकी योगी जीवन कैसी होगी? निरंतर और सदाकाल की होगी, नेचुरल होगी उनके मुकाबले। फिर उत्तर उत्तर सीढ़ियां हैं, क्रम है। तो बोला जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है क्या, किसी का जो लक्ष्य होगा वो लक्षण भी स्वतः ही आते रहे। अगर बुद्धि में ये पक्का बैठ गया कि मुझे क्या बनना है, हैं? वो तो बन गया नरसिंहनारायण। अब बनना है बाप समान। क्या बनना है? अभी बाजी किस बात की चल रही थी अभी तक? क्या बनना है? बाप समान। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, कैसा है? जो धर्म पिताएं ऊंचे से ऊंचे हैं, उन धर्म पिताओं में भी सबसे ऊंचे हैं। ऐसे ही विश्व में जो ऊंचे से ऊंचे चुनी हुई आत्माएं हैं, उनके लिए ये विशेषता बोली। क्या बोली? कि लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है। क्या लक्ष्य? बाप समान बनने का लक्ष्य। तो लक्ष्य होगा तो रिजल्ट क्या होगा? लक्षण भी स्वतः ही आ जाते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। ऐसा चमकता हुआ भाग्य का सितारा जिसकी विशेषताएं ऊपर बताई, अभी अभी बताई ना, ये ऐसा चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। देखते हैं कैसे? देखते हैं सूक्ष्म मतलब से है, जरूर आंखों का लोन लिया हुआ है तो उन आंखों से उन बच्चों को देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वामानधारी,
क्या देखते हैं? सिर्फ समानधारी नहीं, श्रेष्ठ समानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। किसका अधिकारी? स्व के राज्य का अधिकारी। दूसरे का कमाया हुआ राज्य हो और उसके ऊपर बैठ जाए गद्दी जमा के, ऐसा नहीं। खुद ही पुरुषार्थ किया है और खुद ही पुरुषार्थ करके राज्य कमाया है। यहाँ कौन सा ब्राह्मण की दुनिया में राज्य कमाया जाता है? अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर जितना ही कंट्रोल किया उतना ही राज्य बनता है। तो बाप दादा हर बच्चे को श्रेष्ठ समानदारी स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को समानधारी आत्मा हूं, क्या कहा? आप सभी भी अपने को ऐसी समानधारी स्वराज्यधारी आत्मा हूं ऐसे अनुभव करते हो। वहां दीदी दादी सामने बैठी होती है, उनसे क्या पूछा? आप ऐसे समानधारी अपने को अनुभव करते हो? कैसा समानधारी? जिन्हें प्रैक्टिकल में परमात्मा पालना मिल रही है और जो कोटों में से कोई और उन कोई में से भी चुनी हुई कोई आत्माएं बाप दादा के चारों ओर बैठी हुई, जो सारे विश्व की चुनी हुई विशेष आत्माएं हैं, जिनके भाग्य की रेखा बाप दादा ने खींच ली है। जिनके भाग्य की रेखा बाप दादा ने खींच ली है। तो ऐसा अनुभव करते हो? इतनी इतनी बातें दीदी दादी दादाएं जो आगे कुर्सी डाल करके बैठे रहते हैं उनसे पूछा, ऐसा अनुभव करते हो? सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं समानधारी आत्मा हूं तो सेकंड में समान की कितनी हिस्सा आ जाती है? अभी भी अपने समान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना। समान क्या करता है? समान का पहला काम क्या है? समान किसी भी प्रकार के अभिमान को, पहला काम क्या है? समान किसी भी प्रकार के अभिमान को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। लंबी लिस्ट है काई की, समान की लिस्ट लंबी तो है लेकिन समान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि समान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से क्या होता है? अंधकार, अंधकार भाग जाता है। ऐसे समान का स्विच ऑन कर दिया। क्या समान? कि मैं ऐसी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं में से एक विशेष आत्मा हूं। अगर ये समान अपने अंदर से निश्चयात्मक बुद्धि से पैदा हो जाए तो क्या होगा? समान का स्विच ऑन करने से क्या होगा? किसी भी प्रकार का अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता। वो समान का स्विच ऑन करने से स्वतः ही भाग जाता है। तो अंधेरा भगाया जाता है, ये अपने आप भाग जाता है? अपने
अपने आप भाग जाता है, भगाया नहीं जाता। अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन क्या करना होता है, स्विच ऑन करो। स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो। बाप दादा ने तो भाग्य की रेखा मस्तक पर खींच दी, रेखा खींचने से कुछ नहीं होगा। रेखा तो विश्व का जो मालिक है उसके भी मस्तक पर 76 में ही खींच दी थी है? फिर उसके बाद नाक रगड़ने की क्या दरकार रहेगी है? फिर तो पुरुषार्थ खलास हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। स्वमान की रेखा तो खींचनी पड़ती है, स्मृति में बार बार लाना पड़ता है। जिसे कहते हैं ना, जिसको सीट मिलती है वो सीट स्वतः ही जिम्मेवारी सिखा देती है। क्या? जिसको सीट मिल जाती है वो सीट स्वतः ही जिम्मेवारी सिखा देती है। ऐसे ही जिनको ये स्वमान प्राप्त हो चुका, बाप दादा ने वो लकीर मस्तक पर खींच दी, तो उसको बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान में स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। कैसे स्मृति स्वरूप है? मान लो ब्रह्मा है, कबसे पार्शु है, संक्षिप्त से उनको पता चल गया तो मैं ब्रह्मा हूँ। कब से पता चला? 47-48 से, जब से नहीं, हाँ, ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता हुई उस समय से लेकर के धीरे धीरे चलते चलते प्रत्यक्ष हुआ कि ये पार्ट ब्रह्मा का है। विशेष बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाने का विशेष पार्ट इस स्वरूप का है। उस स्वरूप को ये निश्चयात्मक बुद्धि बनना शुरू हुई। उसका रिजल्ट क्या आया सामने? 51-52 में क्या रिजल्ट सामने आ गया? मुरली चली नहीं? हाँ, मुरली भी चली। मुरली तो चली, वो तो 47 से ही चली। हाँ, माउंट आबू में क्या हुआ? जो भी संस्था स्थापन हुई उसका नाम क्या दिख ले रहा हुआ संसार में? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता नहीं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और प्रैक्टिकल में संस्थाएं भी खुल गई, प्रैक्टिकल में खुली ना, खुल गई। तो धीरे धीरे ये बुद्धि में ब्रह्मा की भी निश्चयात्मक बुद्धि बनने लगी कि मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ। दुनिया में जितनी भी माताएं हैं पालना करने वाली, उन माताओं के बीच में मैं क्या हूँ? बड़ी से बड़ी माँ हूँ। मेरी विशेष जिम्मेवारी है जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए। तो स्वमान, इस स्वमान की सीट पर सेट हो गए तो कितना टाइम लगा? 47 से लेकर है? हाँ बोलो। हाँ, 87-88 तक टाइम हुआ ना पूरा। एक वर्ष आते ही नहीं थे बिल्कुल। 87-88 में आना बंद हो गया था, तो 30 साल लगे। 40 साल नहीं, 40 कैसे? 47 नहीं, उसके बाद तो दूसरी मूर्ति का पाठ शुरू हो गया ना। जब दूसरी मूर्ति का पाठ शुरू होगा तो वो आत्मा बीज रूप स्टेज में आनी चाहिए कि नहीं ब्रह्मा की? अरे
सन 47 से लेकर सन 77 तक ब्रह्मा की सोल को बीज रूप स्टेज माने संपन्न स्टेज वो शुरू होने में कितना टाइम लगा? 20 साल लगा। ये बीज रूप में ये पक्का हो गया उनको कि मैं कौन हूँ, शंकर के मस्तक पर बैठने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ, ये पार्ट उनका पक्का हो गया। तो स्वमान की सीट पर सेट होना पड़ा ना, शरीर छोड़ने के बाद भी सेट करने के लिए अंदर से उस आत्मा को कुछ न कुछ पुरुषार्थ चलता रहा। जब तक सेट नहीं हो गया तब तक ये पुरुषार्थ चला। फिर दूसरी मूर्ति शुरू हो गई, कौन सी? शंकर। माँ के बाद पहले माँ का पार्ट, बाद में बाप। तो कितना टाइम उसको चाहिए? दूसरी मूर्ति को भी 30 साल चाहिए। और दूसरी मूर्ति के साथ साथ फिर दूसरी मूर्तियां भी बता दी, क्योंकि ब्रह्मा का वो संपन्न रूप नहीं है क्या? जो सारे जगत की अंबा है वो उसका संपन्न रूप 76 में डिक्लेयर नहीं हुआ। संपन्न रूप कब डिक्लेयर होता है? जब 3 सीट फिक्स हो गई, तो जगदम्बा की भी सीट फिक्स हुई। तो ब्रह्मा के सोल के लिए और शंकर के सोल के लिए भी 30-30 साल चाहिए स्वमान की सीट पर सेट होने के लिए। तो बाकी जो 8 हैं अष्टदेवों में से, उनको भी टाइम चाहिए कि नहीं? कि बाकी की लकीर खींची थी तो बस मन गए है? टाइम चाहिए। इसलिए बोला मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान में स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं क्या? ऐसे नहीं कि बाकी की रेखा मस्तक पर खींच दी तो बच्चों ने अपना खेल खेलना बंद कर दिया क्या? जो अप एंड डाउन का खेल है वो खेल खेलना बंद नहीं किया है, क्योंकि स्वमान की सीट पर पूरा सेट नहीं हुए हैं। तो बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ क्या? उन बच्चों को ये तो बार बार अनुभूति अंदर से होती है कि मैं बाप दादा के दिल तख्त पर चढ़ी हुई आत्मा हूँ। ये अनुभूति तो है, वर्णन भी कर रहे हैं क्या? मुख से भी आपस में जब लेन देन करते हैं तो ये वर्णन करते हैं क्या? कि हम बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए, वंदन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं हो रहे। कौन सा अनुभव है? स्वमान की सीट पर सेट हो चुका हूँ या सेट हो चुकी हूँ ये अनुभव नहीं कर रहे। इस चीज पर सेट नहीं हो रहे। जो सोचते हैं वह अनुभव होना भी जरूरी है क्या? सोचना और बातचीत कर लेना ये एक अलग बात, लेकिन अंदर से अनुभव हो कि हम उस सीट पर सेट हो चुके हैं, वो अनुभव तो तभी होगा जबकि गलतियां होना बिल्कुल बंद हो जाए। मनुष्य से गलतियां होती हैं, और किससे गलती नहीं होती है? देवताओं से गलती नहीं होती। जो भूल करे तो मनुष्य, और जो अभूल हो जाए वो देवता। तो इसका मतलब है कि जब तक ये भूलें चल रही हैं तो स्वमान की सीट पर सेट नहीं हुए हैं। जो सोचते हैं वो अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। पढ़ा
पढ़ ली, दूसरों को पढ़ाई पढ़ा दी, ये श्रेष्ठ अथॉरिटी नहीं है। श्रेष्ठ अथॉरिटी क्या है? अनुभव में आने लगे तो बड़ा देखते हैं कि ये बच्चे सुनते बहुत अच्छे हैं, क्या है? सुनने में बहुत फर्स्ट क्लास है। सुनते तो है, लेकिन सुनना सुनाना भक्ति मार्ग होता है, प्रैक्टिकल भी नहीं है क्या? सिर्फ सुन लिया और दूसरों को सुना दिया तो भक्ति मार्ग वाली बात तो हुई, लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या विशेषता होती है? समझना, समझाना और उसको प्रैक्टिकल अनुभव में भी लाना। तो बाप दादा देखते हैं सुनते बहुत अच्छे हैं, सोचते भी बहुत अच्छा है, क्या मनन चिंतन मंथन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीजें हैं। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, क्या अनुभवी स्वरूप बने। 30 नवंबर 2003 की अगस्तवाणी का दूसरा पेज। तो ये अनुभव में सेट हो जाना, ये है श्रेष्ठ अथॉरिटी। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। क्या भगत क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनाते हैं, ध्यान मजीरा बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन जो कीर्तन करते हैं उन बातों का स्वयं अनुभव नहीं करते। ये भक्ति ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, क्या सुन लिए मस्त हो गए। यहाँ भी क्या होता है, बाबा वाणी सुना देते हैं, वाणी सुनते हैं तो बड़े मस्त हो जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। तो सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं है, मनन चिंतन मंथन भी करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ यह है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर समान के अनुभवी बनना, उस समान की सीट पर सेट होने का अनुभव होने लगे। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है, क्या जिसको अनुभव होने लगेगा उसका सहज ही रूहानी नशा चढ़ने लगेगा। कैसे कैसे चढ़ने लगेगा है? जैसे शंकर जी का दिखाया जाता है चित्रों में, जैसे गुरु नानक का दिखाया जाता है, जैसे क्राइस्ट का दिखाया जाता है, जैसे बुद्ध का रूहानी नशा देखने में आता है ना, चलन और चेहरे से। तो बोला अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अगर ऐसे रूहानी नशे का अनुभव नहीं हुआ है तो क्या होगा? अभी अभी खुशनुमा हंसता हुआ चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा और अभी अभी सूर लटक जाएगी। तो ये अप एंड डाउन बाप दादा बहुत देख रहे हैं उन बच्चों की। किन बच्चों की? वो आठ बच्चों की अभी भी ये अप एंड डाउन का खेल देख रहे हैं। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चलाता है, चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है, क्या जिसको अनुभव हो जाता है, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हो गए, उनको अनुभव हो गया है, भले समझ नहीं सके लेकिन किसी के द्वारा चलो समझा दिया गया है, परमात्मा बाप ने स्वयं उनको जब समझा दिया तो नशा चढ़ गया ना है। बोला अनुभव कभी जीवन में भूलता नहीं। तो प्रजापिता जिसने पढ़ाई पढ़ाई उन साक्षात्कारों की, उसको तो साक्षात्कार प्रैक्टिकल में हुआ नहीं था, और ब्रह्मा बाबा को हुआ था, तो कौन भूल गया?
और किसका स्थाई रहा है? जो ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल अनुभव हुआ था वो डटे रहे, और प्रजापिता पंडित जी किस्ता पढ़ाते पढ़ाते रह गए, और गुड़िया बड़ी अम्मा गुड़िया निकल गई। तो अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है, सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, जो सुन लिया और जो अंदर से सोच लिया समझ लिया वो भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी भी कम नहीं होती है। जिसने ये अनुभव कर लिया, क्या अनुभव कर लिया कि मेरी तीन सीट में से ये सीट है, या जिसने ये अनुभव कर लिया कि मेरी आठ की सीट में से इस नंबर की ये सीट है, तो क्या होगा है? ये अनुभव की अथॉरिटी कभी भी रूहानी नशे को कम नहीं होने देगी कि कम हो जाएगी है? रूहानी नशा कम नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर तो प्रत्यक्षता का नजारा बनना शुरू हो जाएगा। जैसे संक्षेत्र में क्या हुआ, संक्षेत्र में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित तो कर दिया था, पहले से ही घोषित कर दिया था, लेकिन संक्षेत्र में तैयार नहीं हुआ, अनुभव पक्का नहीं हुआ। तो संक्षेत्र के बाद अगला वर्ष क्या घोषित किया? 77 को कौन सा वर्ष घोषित किया? संपन्नता वर्ष। माना वो संपन्न स्टेज का अनुभव वो भी होना जरूरी है। ये पक्का हो जाए अंदर से ये अनुभव कि मेरा ये पार्ट है, वो श्रेष्ठता बुद्धि में जम जाए, तब कहेंगे अनुभव की अथॉरिटी में सेट हो गए। अच्छा, ओम शांति। बिल्कुल, तो उत्तर जैसे 500 भी लेंगे, 500 भी होंगे, 500 का जो 5 नंबर है ना, 5 33 साल लेंगे उनको भी, उनको 33 साल लगेंगे, 33 लगेंगे उनको भी। जो 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 सीट 3 की है वो 5 की भी है? नहीं, तीन के बाद जो 8 होंगे ना पूरे मिला दे, वो तो 3 मिला, 3 को अलग करो ना, 5 को ये 5 को लगेगा ना, लगेगा ना, जब उनको इतना टाइम लग गया, ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय स्थापन करने में कितने साल लगे? 3 साल लग गए, तब उनको हिम्मत आई कि ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय जब जमा दे, तो उनको तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए, ज्यादा टाइम क्यों लगना चाहिए? वो तो सबसे नीचे मूर्ति थी बुद्धू, ब्रह्मा का जो स्टेजेस दिखाई गई है 3 देवताओं की, उनमें सबसे नीचे स्टेज किसकी है? ब्रह्मा की। उससे ऊपर विष्णु की, विष्णु तो सेट हुआ ही पड़ा होगा, तो उसमें 3 साल तो है, 3 साल तो हट लेंगे नॉर्मल। किनको? नहीं नहीं नहीं, बुद्धि से, प्रैक्टिकल बात अलग। क्या प्रैक्टिकल में भी हो तो 3 मूर्तियों की बात जैसे है, वैसे इन 5ों के लिए भी टाइम चाहिए। क्या सीट पर सेट होने के लिए टाइम चाहिए?